सर्वप्रथम तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सरकार के खिलाफ विपक्ष के सभी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। अब यह अविश्वास प्रस्ताव खास तौर पे इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये इसलिए नहीं लाया गया है कि मोदी जी हम आपको पसंद नहीं करते, ये इसलिए लाया गया है कि मणिपुर के लोगों के लिए एक अकाउंटेबिलिटी स्प्लिट है, जेनोसाइडल इंटेंट चल रहा है। अगर उसमें प्रधानमंत्री जी लगातार चुप है तो उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हार गए हम लोकसभा राज्यसभा में, हार गए, सचमुच कहता हूं हार गए, प्रधानमंत्री जी हाजिर नहीं हो रहे, बोल नहीं रहे, तो उस संदर्भ में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ताकि इस उपकरण इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो अपनी बात रखे। और चूंकि मणिपुर की हिंसा आज फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है, तो प्रधानमंत्री जी और मैं समझता हूं हमारे पीठासीन अधिकारी लोग इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में लाएं ताकि प्रधानमंत्री जी बोले हमें जीत हार से मतलब नहीं है, आंकड़े आपके पास है, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी आपके पास है, मॉरल मेजोरिटी आपके पास नहीं है। अगर मॉरल मेजोरिटी के टर्फ पर प्रधानमंत्री जी आकर के जुबान खोलेंगे तो शायद मणिपुर में हालात बेहतर हो। सर इसके अलावा जो है क्या विपक्ष की अब रणनीति क्या है, क्या आप यही चाहते हैं, आपने कहा नंबर मैटर नहीं करते, विपक्ष कौन मणिपुर क्या साथ खड़ा है, कांग्रेस ने भी कहा, तो क्या यही का और क्या आगे की रणनीति? देखिए मैं सीधी से बात कर रहा हूँ, मैं पता नहीं ये शब्द पसंद नहीं कर पाता हूँ, रणनीति स्ट्रेटजी, जब मणिपुर और इस तरह के नरसंहार मैस वायलेंस की बात हो तो स्ट्रैटेजी रणनीति मुझे थोड़े ओछे शब्द लगते हैं, गरिमा विहीन लगते हैं। हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि सदन सामूहिक शर्म का इजहार करे, सदन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर को कहे मैं माफी मांगता हूं, हम माफी मांगते हैं, प्रधानमंत्री जी इस बात की स्वीकारोक्ति करें कि मणिपुर को अगर हम ये एहसास नहीं दिला रहे हैं यू बिलोंग टू अस, तो इससे ज्यादा खतरनाक हमारे पूरे फेडरल स्कीम ऑफ थिंग्स में कुछ नहीं हो सकता।